लक्ष्मीकांत पारिक जी, देखिए अब मामला जब भी इस तरीके का आता है कोर्ट के आदेश पे होता है, हर फैसला कोर्ट के हिसाब से चलता है, चीजें कोर्ट के हिसाब से चलती हैं, लेकिन बार बार बीच में बीजेपी को ला करके खड़ा कर दिया जाता है कि बीजेपी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है पूरे देश में। कांग्रेस और उनके साथियों की टेंडेंसी बनी हुई कि देश में जब भी कुछ हो तो भारतीय जनता पार्टी खड़े खड़े करने प्रयास, ये चुनाव हार जाए तो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते, भारतीय जनता पार्टी खड़े खड़े करता, यदि चुनाव को प्रश्न खड़ा करते चुनाव को भारतीय जनता पार्टी दबाव बताएंगे, ईडी की यदि किसी भ्रष्टाचार पर ईडी कार्रवाई तो भारतीय जनता पार्टी करके बताएंगे। ये कांग्रेस का नैरेटिव का इस देश में सिलसिला चल रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसके एजेंडे में राम मंदिर था, जब वो बनी 1980 में तब भी था और जब राम मंदिर बन गया तब भी है, तो निश्चित राम मंदिर की लड़ाई यदि किसी लड़ी तो भारतीय जनता पार्टी लड़ी, और भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं का ही देन है कि आज राम मंदिर भव्य रूप से खड़ा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, देश के समाज मानने वाली बात है। और हमारे चुनावी जो हमारा यदि हमने बार बार कहा है, यदि हमने 1980 के बाद हमने दो चीज दो विषयों पर राम मंदिर और कश्मीर पर धारा 370 ये हमारे हर एजेंडे में आए, तो लगातार तो विषय पर करते भारतीय जनता पार्टी अपने काम करने प्रयास कर रही है। इतर कांग्रेस स्थिति इतर है, तो ये कांग्रेस की स्थिति बड़ी गंभीर है। कांग्रेस के नेता सम्मानित राहुल गांधी जी गुजरात चुनाव में जाते हैं और कुत्ते बाद जनेऊ बनाकर घूमते हैं और ये बताने प्रयास करते हैं ब्राह्मण हूँ हिंदू है, ब्राह्मण मैं भी हूँ जनेऊ में हूँ, लेकिन कुत्ते के ऊपर निकाल घूमने की आवश्यकता नहीं, जनेऊ की अपनी मर्यादा होती है, राहुल गांधी नहीं जाता। राहुल गांधी तब मंदिर में जाता है, चुनाव होता है, हम रोज मंदिर जाते हैं, हमारे चुनाव के मंदिर जाना आवश्यक नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस और साथ में स्कॉलर यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी लोग हैं इनको उस समय ध्यान आता सर्कुलर जब चुनाव होते हैं तो उसके पहले पुष्टि का राजनीति करते हैं। अब जयपुर की बहुत छोटी घटना आपको बताता हूँ, या कांग्रेस के नेता भी बैठे हैं, इनसे पूछिए कि जयपुर में दो मोटरसाइकिल भिड़ंत होने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सिर्फ मोटरसाइकिल भिड़ंत हो जाने पर 50 लाख का मुआवजा एक मुस्लिम परिवार को दे दिया गया और आदित्य जी अब देखिए चाहे मिलता है राजनीति है कि नहीं, आदित्य जी ठीक है लक्ष्मीकांत जी।